सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार माई और बहनों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान बाई मेहरम में आनंद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म भरा गया था उसके लिए प्रवेश पत्र जारी हो गए हैं, वो कैसे डाउनलोड करने हैं वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र या किसी और ब्राउज़र मौजूदा किसी में भी जाना है, ठीक है, यूसी ब्राउज़र से भी ओपन कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको पहले गूगल टाइप करके गूगल में जाना है, फिर आपको जाना है सरकारी रिजल्ट में, ठीक है दोस्तों, सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट में जैसे आप नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो आपको सरकारी रिजल्ट 2019 में आपको ओके कर देना है। ओके करके आप जैसे इसमें देखेंगे कि इसमें हर चीज़ का रिजल्ट का दिखाएगा, एडमिट कार्ड लेटेस्ट जॉब का दिखाएगा, आपको देखना है कि एसएससी एमटीएस का एडमिट प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड देख सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। इसमें बहुत सारी वैकेंसी थी, ये लगभग 22 अप्रैल से शुरू थी, ये मई तक लास्ट था इसका, ठीक है। तो भाई और बहनों, ये रहा आपका लिंक डाउनलोड एडमिट का। सेंट्रल रीजन, जो सेंट्रल रीजन वाले होते हैं जैसे दिल्ली नॉर्थ दिल्ली के, ये लोग सेंट्रल रीजन में कर सकते हैं, और अदर रीजन यानी उत्तराखंड यूपी ये सब कहाँ आते हैं और अदर रीजन में, ठीक है। यदि आप अदर रीजन की बात करें, अदर रीजन में ओके करके आप देख सकते हैं कि इसमें, ठीक है, जैसे राजस्थान दिल्ली और उत्तराखंड है, नॉर्थ रीजन में आते हैं, ठीक है। इसके लिए वेब पोर्टल, इसमें ओके करेंगे आप, इसमें ओके करके आप देख सकते हैं कि इसमें अपना नाम और वो नाम और डेट ऑफ बर्थ लगेगी, ठीक है। ये स्टेटस में जाओगे आप, स्टेटस में जाते ही आपका दिखेगा यहाँ पर नाम डाल के, और इसमें आप डेट ऑफ फादर्स नेम या डेट ऑफ बर्थ डाल के आप सर्च स्टेटस में आप ओके कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा भाइयों बहनों एडमिट कार्ड, एक बार मैं फिर से आपको दोहरा दे रहा हूँ। दोबारा आपको सब सर्वप्रथम गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र में आप जैसे ही जाओगे उसके बाद आपको सरकारी रिजल्ट ओपन कर लेना है। सरकारी रिजल्ट ओपन करके आप इसकी जो वेबसाइट है उसमें जाओगे, इसमें आप फर्स्ट में ही दिख जाएगा आपको SSC MTS एडमिट कार्ड, ठीक है, SSC MTS एडमिट कार्ड। SSC MTS एडमिट कार्ड में जैसे आप वो नीचे स्क्रॉल करते रहोगे आपको इसमें दिख जाएगा कि डाउनलोड को सेंट्रल रीजन और अदर रीजन। आप अदर रीजन में जैसे ही क्लिक करोगे इसमें दिखा देगा कि ये कौन से रीजन के लिए आपने अप्लाई किया था, ठीक है। अब दोस्तों आप फर्स्ट में देखते हो राज्य, इसमें स्टेट वाइज जैसे राजस्थान दिल्ली उत्तराखंड नॉर्थ रीजन में आते हैं, महाराष्ट्र गुजरात गोवा वेस्टर्न रीजन में आते हैं, तो आप जैसे कोई राजस्थान दिल्ली और उत्तराखंड का है तो इस वेब पोर्टल में क्लिक करेगा, ठीक है। ये वेब पोर्टल में क्लिक करके आप इस नीचे स्क्रॉल करके तो इसमें फर्स्ट में ही दिखा रखा है कि स्टेटस फॉर मल्टीटास्किंग वाला, ठीक है। इसमें वायर पहनो, इसमें जैसे आप ओके करोगे अपना नाम और पापा का नाम और डेट ऑफ बर्थ करके अपना SSC MTS का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है भाई और बहनों। तो ये था आज SSC MTS एडमिट कार्ड। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई और बहनों मेरे चैनल को जरूर प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आप नोटिफिकेशन